दोस्तों आपको याद होगा पिछले साल मैं ये वाला गेमिंग चेयर यूज कर रहा था जो कि थी गेमडियास की आई गेस एफ्रोडाइटी आई थिंक। हाँ सो एफ्रोडाइटी इसकी हालत अब हो चुकी है बहुत बुरी, क्यों ये बताऊंगा। लेकिन इस काम में जो सबसे बड़ा योगदान है ना जिस बंदे का, जिस इंसान का तो नहीं खैर जिस जानवर का, उससे तुम्हें मिलवाता हूँ। जरा आ जाओ बेटा, आ जाओ, आपका कैमियो आज वीडियो में स्पेशली। बेटा वीडियो के लिए आपको ऊपर लाया, देखो मीट दिस गाय, दिस बुलशिट गाय, ही डू वी 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 ऑल द टाइम। सो से हाय टू जेरी और या और देखो रुक जा, बैठ जा, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, उतर बैठ जा। तो इस चेयर की जो ऐसी तैसी हुई है उसमें सबसे बड़ा योगदान इसी कुकुर का है और अब जरा आपको आगे डिटेल्स में बताता हूँ। पहले इस कुकुर को साइड निकाल दूं मैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था मैंने गेमिंग चेयर्स बहुत सारी यूज कर ली हैं। इससे पहले मैंने एंटी स्पोर्ट्स की रॉयल यूज करी थी, फिर मैंने सर्कल की गेमिंग चेयर यूज करी, फिर मैंने गेमडियास की एक थोड़ा लोअर एंड गेमिंग चेयर यूज करी, फिर ये थोड़ा मिड सेगमेंट आ गया एंड दिस वॉज माई सेकंड एफ्रोडाइटी। अब जो मुझे अभी तक इश्यूज फेस हुए ना गेमिंग चेयर से, जब तक आप बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन नहीं जाते या प्रीमियम गेमिंग चेयर्स की तरफ नहीं जाते तब तक देर आर मल्टीपल इश्यूज जो कि आप फेस करने वाले हैं, जिनमें से काफी सारे मेरे साथ हुए हैं। सबसे कॉमन दिक्कत जो आ रही थी वो ये थी कि लंबे आवर्स तक जब मैं इस पर बैठकर काम करता था आई स्टार्टेड डेवलपिंग लोअर बैक प्रॉब्लम्स, जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी मेरे को। बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा कहां से आ गया भाई, आई एम जस्ट 27 इयर्स यंग, ओके। ठीक है, इसके अलावा गेमिंग चेयर्स को बनाया इस तरीके से जाता है कि ये देखने में अपीलिंग लगे रादर देन टू बी प्रैक्टिकल और आपको काम में एफिशिएंटली जो है ये कंफर्ट प्रोवाइड करे। इनको इस तरह से बनाया जाता है कि ये अपील करे, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, आपको ऐसा लगता है जैसे कोई किसी कार का रेसिंग सीट है, उस तरह का पूरा लुक आता है इन गेमिंग चेयर्स में। तो इनका मेजर फोकस जो है वो एस्थेटिक्स की तरफ है रादर देन कंफर्ट। तो भाई बहुत सारी चेयर्स में मैं स्विच कर चुका था, मेरा हो गया। अब मैंने सोचा कि अब मुझे गेमिंग चेयर लेनी ही नहीं है, अब मैं लूंगा। और जो मैं आपको अपने जेरी भाई से जो मैं मिलवा रहा था, तो जेरी जी इसके जो आर्म रेस्ट थे ना, जो एडजस्टेबल आर्म रेस्ट थे, वो खा गया। वो खा गया मतलब उसके टुकड़े करके फेंक दिए। छोटे होते हैं ना जो पपीज, तो उनको बाइटिंग की आदत होती है, तो वो बाइट कर करके सारा उसका फेंक दिया, तो हाथ चले गए, ठाकुर बन गई है। तो इस वजह से यार मैंने कहा कि अब बहुत हो गया ये। तो फिर एक दिन ऐसे इंस्टाग्राम पर मैंने रेड ओक को मैसेज किया। रेड ओक जिसको नहीं पता, रेड ओक इज वन ऑफ द लीडिंग फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया। एंड मैंने रेड ओक को बोला कि यार मेरे को प्लीज आप सजेस्ट कीजिए, मेरे को एक ऐसी एर्गोनॉमिक चेयर चाहिए जो कि लॉन्ग आवर्स तक अगर मैं अपनी वीडियोस को एडिट करता हूं या आई एम बेंचमार्किंग समथिंग, मेरे को डिस्कम्फर्ट ना हो, मेरे को लोअर बैक में इश्यूज ना हो, क्योंकि गेमिंग चेयर से मेरा हो गया, नाउ आई वांट टू स्विच टू अ ऑफिस एर्गोनॉमिक चेयर। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया एंड मैंने खरीदा इस चेयर को। सो दिस इज द रेड ओक ट्रेंट व्हाइट एर्गोनॉमिक चेयर। आज के वीडियो में इसी चेयर को बिल्ड करेंगे क्योंकि ये मेरे सेटअप के साथ में भी जाने वाले, तभी मैंने इसको मंगाया है। बड़ी कमाल की वीडियो रहने वाली है, इस तरह की वीडियोस में अक्सर बहुत मस्ती होती है, आपको पता ही है। सो वीडियो को पूरे एंड तक देखिए और कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। अगर आप भी बाय करना चाहते हैं अपने लिए बहुत ही कमाल का गेमिंग या फिर प्रोडक्टिविटी पीसी, तो विजिट करें www.techdreams.co.in और यहां पर जाकर आप चूज कर सकते हैं हमारे प्रीबिल्ट मशीन्स में से, या फिर किसी भी तरह की कस्टमाइजेशंस के लिए आप हमें नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर व्हाट्सएप या फिर कॉल के द्वारा अप्रोच कर सकते हैं। एंड अगर आप बाय करना चाहते हैं अपने लिए बहुत ही कमाल की प्राइसिंग पर विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 का प्रो रिटेल लाइसेंस या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कीज, तो विजिट कीजिए नीचे गए लिंक को एंड वहां से जाकर आप यूपीआई मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए आखिरी कुछ पल इस वाली चेयर पर बैठकर बिता लेते हैं और इस वाली चेयर का जो मटेरियल है उसको अनबॉक्स कर लेते हैं क्या क्या है। और दिस इज माय फर्स्ट टाइम यूजिंग एन एर्गोनॉमिक चेयर। मैं काफी ऑफिसेज में जाकर बैठा हूं और मुझे कंफर्ट बहुत अच्छा लगा इन चेयर्स का, तो एक बार ट्राई किया जाए ना, कहते हैं कि जिंदगी में सब ट्राई करना चाहिए। तो देखते हैं जरा कि क्यों लोग जो है लॉन्ग वर्क ड्यूरेशन के लिए इन चेयर्स को प्रेफर करते हैं रादर देन अ वेरी अट्रैक्टिव लुकिंग गेमिंग चेयर। ओहो तो भाई साहब पैकिंग तो बड़ी अच्छी सी होकर आई है, हथियार को साइड रख देता हूँ जरा, कुछ थर्माकोल फोम सब कुछ जो है। अच्छा ये मेरा इनवॉइस है जो मैंने बाय किया है, इस पर मेरा सारा डिटेल्स है, इसको रख देते हैं साइड पर, फोम को भी रखते हैं साइड पर। एंड दीज आर द आर्म रेस्ट आई थिंक। और इस चेयर में आपको बता दूं कि दिस कम्स विद 4D एडजस्टेबल आर्म रेस्ट, एक आपको निकाल कर दिखा देता हूँ, बाकी का मैं जल्दी से अनबॉक्स करके रखूंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है इस तरह की चीज़ें बनाने में मैं कितना ढीला आदमी हूँ, देखा होगा आपने पहले की वीडियोस में ये। और चक्कू ला यार भाई, पैकिंग तो देखो बहुत गजब है, आई थिंक ये पुणे से आया है और इन्होंने पूरा ध्यान रखा है कि चेयर का प्रोटेक्शन रहे। ओ माई गॉड कैन यू सी दिस भाई साहब, मतलब अभी मैंने सिर्फ आर्म रेस्ट ही खोला है एंड मुझे इसे टच कर करना फील हो रहा है कि मैंने कुछ प्रीमियम बाय की है, ये कोई सस्ता किसी तरह की मटेरियल में कटौती नहीं है। तो आर्म रेस्ट को हम जो है ऐसे मूव कर सकते हैं, इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको हम शायद आगे पीछे भी कर सकते हैं, वो तब पता लगेगा जब हम लगा लेंगे। फिलहाल के लिए मैं जल्दी से बाकी मटेरियल को भी अनबॉक्स कर लेता हूँ।
ओके देन वी हैव द नेक सपोर्ट, थोड़ा सा मेश टाइप ऑफ मटेरियल है एंड नाइस। ओके भाई साहब, ये चेयर का बेस है एंड इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, मतलब दिस इज प्रॉपर एल्यूमिनियम एंड स्पेक्स में जो लिखा हुआ है 700 mm डाई कास्ट एल्यूमिनियम एंड कहीं भी आपको अनइवन नहीं दिखेगा क्योंकि प्रॉपर डाई कास्टिंग है और क्वालिटी इज वेरी गुड, वेट भी अच्छा खासा है इसका ताकि आपको जो है स्टेबल रख सके ये। ओहो, दिस इज आई थिंक द मेन थिंग, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपके आई थिंक तशरीफ को आराम देगी। भाई ये बहुत बहुत कंफर्टेबल है, ऐसे ही मुझे लग रहा है कि इस पर सो जाऊं मैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मटेरियल है इसका। आई बिलीव कि ये आपका रेस्ट, नहीं सॉरी, हाँ तो आई बिलीव कि ये तशरीफ रेस्ट है जो भी मैंने निकाला है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस लुक्स लाइक द पार्ट जहाँ पर आपकी बैक रेस्ट करेगी। पैकेजिंग देखो, जो भी पार्ट आप देख रहे हैं सब पे इन्होंने प्रॉपर थर्माकोल फोम लगा कर भेजा है कि डैमेज का कोई चांस ना रहे। तो भाई साहब शिपिंग का इन्होंने खासा ख्याल रखा है, कीपिंग दिस इन माइंड। इस तरह के जो बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं ना उनको शिपिंग वाले जोर जोर से फेंकते हैं, बैठते हैं उन पे, बैठ के चाय पीते हैं, पता नहीं क्या क्या पीते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो उन्होंने ध्यान रखा है कि आपकी कीमती चेयर डैमेज ना हो। नाइस वर्क रेड ओक, मुझे लग रहा है आप मेरा पूरा स्टूडियो इस पैकेजिंग से भरने वाले हैं। ओ भाई चेक दिस आउट यार, बिल्ड क्वालिटी इज एक्सट्रीमली गुड। ये बैक सपोर्ट है एंड ये भी आपका पूरा जो है मेश मटेरियल, आई थिंक दिस इज नायलन मेश और काफी कंफर्टेबल फील होता है। एंड इससे शायद एक चीज ये भी होती है कि जो एयर का वेंटिलेशन रहता है वो अच्छा रहता है आपके बैक की तरफ, जब हम गर्मियों में लंबे आवर्स तक ऐसे पीछे होकर बैठ के काम करते हैं तो हमारी बैक स्वेटी नहीं होती, ये उस चीज का ध्यान रखता है। इसके अलावा क्या है इस बॉक्स में, ये बड़ी भारी चीज है, ये क्या है? और गाइस साथ में हमें एक टोस्टर भी मिला है ताकि आप खाते अपना काम करते करते ब्रेड सेक सकें, टोस्ट कर सकें। जी ठीक है, दिस इज़ नॉट अ टोस्टर। और भाई ये बहुत भारी है, तुम्हें देखने में वीडियो में बड़ा हल्का सा लग रहा होगा, जैसे लॉबस्टर जैसा, केकड़ा जैसा कुछ हल्का सा है, बट दिस इज़ वेरी हैवी, मतलब आई थिंक 10 किलो का होगा। इससे डंबल लगा सकते हो अगर वेले बैठे हो तो। इसको भी रखते हैं साइड पे। अब सिर्फ एक आखिरी बॉक्स बच गया, चेक कर लूँ ना। हाँ दिस इज़ द लास्ट बॉक्स एंड आई बिलीव कि इसमें इसका स्क्रूज वगैरह रहेंगे। दिस इज द क्लास 4 गैस लिफ्ट, ये जो आप देख रहे हैं ना ये साइलेंसर जैसा बुलेट के, ये है गैस लिफ्ट क्लास 4। और इसके बाद वी हैव द टायर टूर एंड देन वी हैव द स्क्रूज। यार इनको साथ में कुछ मैनुअल भी देना चाहिए, ऐसी चीजों में तो मैं बहुत ढीला हूँ, मैं कैसे बनाऊंगा बिना मैनुअल के। रेड ओक पीप्स, प्लीज फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम इंक्लूड मैनुअल्स एज वेल, क्योंकि मैं इन चीजों में बहुत ज्यादा ढीला हूँ बनाने में। तो सारा सामान अनबॉक्स हो चुका है, लेट्स जस्ट गो एंड बिल्ड दिस चेयर अप। नमस्कार दोस्तों, सारा सामान जो है अपने रेड ओक ट्रेंट वाइट चेयर का आपके सामने है। अब मैं जल्दी से इसको असेंबल करने वाला हूँ, ऑल्दो कोई मैनुअल नहीं है बट मुझे देखकर लग रहा है कि इसको असेंबल करना काफी सिंपल है। एक चीज मैं कर चुका हूँ कि इस बुलेट के साइलेंसर को मैं इसमें रख चुका हूँ गैस लिफ्ट को। अब सिर्फ सबसे सिंपल काम जो होता है ना किसी भी चेयर को बिल्ड करने में, वो नेने टायर लगाना, ठीक है जी। ते आपा सब तो पहला आपा एदे टायर लगा लेंदे। वाह, तारा बस का पंजाबी बोलना नहीं है, आई एम लर्निंग। तो इनको बस हमें इसमें ऐसे इनानू पा देना है आपा। हो क्यों नहीं रहा है भैया, भैया क्या मतलब ऐसे नहीं लगेंगे, चले जा। हाँ ये चला गया, एनू भी आपा पा देना, सब तू पा। ओए होए मेरे हाथ पर तैल लग गया है थोड़ा सा, तो ग्रीस लग गई है गैस लिफ्ट की। तो आप पहले टायर पा लें फिर गैस लिफ्ट पाएं। ये तो पूरा चला गया है, तू क्यों नहीं गया, तेल लाओ। हो गया, हाँ अब हो रहा है ना काम। अब मैं 10 मिनट में बनाऊंगा मैं चेयर, देखना। वाओ वेरी डेंजरस। तो भाई यो यो, बस भाई आ जा। तो अब इसमें जरा गैस लिफ्ट को हम इंसर्ट कर देते हैं। बस स्टेप 1 डन, इसको साइड पे रखो। अब हमें करना क्या है कि जो हमारा वो था टिकाने की, सॉरी, तो दिस वाज द तशरीफ रेस्ट। तो ये आएगा, इसको इमेजिन कर लेते हैं आएगा कैसे ये, आई थिंक। अच्छा इसके ऊपर कोई स्क्रूज होंगे जो ऐसे होंगे, कैसे होंगे, कहाँ क्या लगेगा। अच्छा वेरी गुड पीपल, मैं ही अंधा हूँ, उन्होंने लिखा हुआ है फ्रंट कहाँ है। तो फ्रंट ये है, फ्रंट मतलब ये ए वाला हिस्सा आगे रहो इदा, ठीक है जी। तो फिर अब हम इस पे ना जो ये पूरा वो मैकेनिज्म है केकड़े वाला, जिससे कि आप इसको आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं, इसको इसमें लगा लेते हैं। अब ये सिंपली ये गैस लिफ्ट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग नहीं रहा इसको बनाना कोई बहुत मुश्किल है, मुझे पता था मैं बहुत स्मार्ट हूँ यार, बस मैं कभी कभी ना वो कर जाता हूँ खुद को, क्या कहते हैं, अंडर एस्टिमेट। ये क्या है या क्या, ई कहा,
ये निकलना है क्या बाहर? वन टू, ये दिया क्यों इन्होंने? मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई नट वट है क्या? फ्लैशबैक तो मुझे लग नहीं रहा इसको बनाना कोई बहुत मुश्किल है, मुझे पता था मैं बहुत स्मार्ट हूँ यार। हाँ अच्छा बच्चू, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? इन्होंने जो है ये हो गया जी, अब ये आ जाएगा इस पे, ठीक है जी। दो दो इन्होंने नट लगाने का ऑप्शन दिया हुआ। अच्छा थोड़ा सा आगे पीछे हम जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं ना, तो मैं तो भैया आगे ही रखूँगा, मैं क्यों पीछे जावा भाई। तो हमारे पास कुछ बड़े नट हैं और कुछ छोटे नट हैं। आई थिंक यहाँ पर अपना गुजारा जो है छोटे वाले स्क्रूज से हो जाएगा। और इन्होंने साथ में ये सस्ती सी आलून चाबी भी दी है ताकि काम जो है थोड़ा और आसान हो जाए। और कुछ वॉशर्स भी अपने को मिले हैं, वॉशर्स। हाँ ये हैप्पी न्यू ईयर में भी यूज़ करी थी अभिषेक बच्चन ने। इस छोटी सी चीज़ से जो आप है ना तिजोरियाँ लूट सकते हो, बट ऐसा कुछ करना मत। अभी इसको जो काम के लिए है उसके लिए यूज़ कर लेते हैं। वैसे अगर थोड़ी सी बड़ी होती ना तो और ज़्यादा अच्छा होता। ओके सो दोस्तों ऑलमोस्ट 70% यहाँ पर डन है, 70% क्या 90% ही डन है। बस इसको अब अपने को जो है गैस लिफ्ट पर प्लेस करना है एंड देन वी हैव टू जस्ट इंस्टॉल दिस हेडरेस्ट। लेट्स डू दी ऑनर्स। कपड़े थोड़े से गंदे हो गए बट कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा, अच्छी जगह बैठने को मिलेगा तो। इज इट इन? आई थिंक सो। अभी तो पूरा हुआ नहीं है, रुकिए हेडरेस्ट भी मैं लगा लूँ। आई थिंक ये स्क्रूलेस इंस्टॉलेशन रहता है। अच्छा बच्चू, अच्छा इसको थोड़ा सा पहले हमको ढीला करना होगा। ओके सो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डन। अब बस ये मुझे नीचे से इसको लॉक करना है स्क्रू को। फाइनली इट्स डन। कलर देखो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे थीम के साथ में, ये ग्रे वाइट सा कॉम्बो जो है लुक्स फैंटास्टिक। ओह भाई क्या आराम मिला भाई, शरीर को एकदम तरोताज़ा हो गया। गैस लिफ्ट चेक करें जरा इसकी। आर्म रेस्ट ऐसे ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, प्लस हम इसको जो है इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। आई थिंक कैसे कर सकते हो मैं खुद देख लूँ जरा। अच्छा बटन है, ठीक है दिस इज अ बटन। अच्छा ये आगे पीछे भी। अच्छा बच्चू सो आगे पीछे एंड आई थिंक ऊपर नीचे भी होना चाहिए कहीं तो। हाँ ऊपर नीचे। सो फोर वे एडजस्टेबल आर्म रेस्ट आपके हाइट के हिसाब से कम्फर्ट के लिए प्रॉपर। अब इसका ये है बैक साइड का एलिवेशन, आप थोड़ा सा और कंफर्टेबल करना चाहते हैं तो ये वाला जो है ये बैक साइड का एलिवेशन जो है उसको सेट करने के लिए कि कितना एलिवेट करना चाहते हैं। उसके बाद में ये साथ में वाला जो है ये इसका लॉक है, तो इसको मैंने शायद नीचे कर दिया। तो हाँ अभी ये देखिए इधर लॉक हो गया। अब ये मैंने अनलॉक किया, ये मैं लीवर से इसको ऊपर लेके आया और इस पॉइंट पर आकर मैंने इसे जो है लॉक कर दिया। तो अब यहाँ पर ये सेट हो गई चेयर। भाई फीलिंग कमाल की है, बट जब मैं काम करूंगा 5-6 घंटे ये वीडियो डालने से पहले एक ना एक दिन ऐसा आ ही जाएगा। पिंड कमेंट जरूर चेक करना, उसमें जाकर मैं अपना वो बताऊंगा कि मेरा 5-6 घंटे काम करने के बाद में मेरी जो बैक है वो कैसा फील कर रही है और मेरा इसका प्रैक्टिकल रिव्यू जो है मतलब रियल लाइफ में वो कैसा है। तो पिंड कमेंट को जरूर चेक करना वीडियो डालने के बाद में। और सही बताऊं तो मुझे इस चेयर पर बैठ करना ऐसा फील हो रहा है ना कि सो बस गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप सो कि यहाँ से यहाँ आना एक वर्दी अपग्रेड हो मेरी कमर के लिए और मेरी बॉडी के लिए एंड मेरे कंफर्ट के लिए मोर ओवर। सो आपको कैसी लगी ये वीडियो और आपको कैसी लगी ये चेयर? बाय द वे इस चेयर की जो प्राइसिंग है, दिस कॉस्ट ऑलमोस्ट 26,000 रुपीज, तो किसी भी मायने में सस्ती नहीं है। बट येस वट यू आर पेइंग यू विल बी गेटिंग दैट ओनली। तो जिस चीज के लिए आप खर्च रहे हैं वो चीज आपको इसमें भरपूर मिलेगी, जो कि इसका कंफर्ट और इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड एस्थेटिकली भी प्लीजिंग है, प्लस बड़ी प्रीमियम सी फील होती है चेयर ना। तो आपको कैसी लगी है चेयर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो कीजिए लाइक, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को भी ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, टिल देन चीयर्स।